हेलो प्यारे दोस्तों, तो ये वीडियो क्लास टेंथ का मॉर्निंग शिफ्ट का साइंस के क्वेश्चन पेपर का है। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन यानी कि आंसर की वाली वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि जैसे ही इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन वाला वीडियो मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको पता चल जाए, आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब देखिए, ये सबसे पहले आपका सेक्शन ए यानी कि खंड क का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसके बाद ये रहा थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन। ये वीडियो स्पेशली मैं इवनिंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ ताकि वे इस मॉर्निंग शिफ्ट वाले साइंस के क्वेश्चन पेपर को देख कर समझ सकें, ये आइडिया लगा सकें कि उनका इवनिंग शिफ्ट का साइंस का क्वेश्चन पेपर किस तरह का आएगा, क्या पैटर्न होगा क्वेश्चन पेपर का और क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर के पैटर्न क्या है और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं पूरा। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो फास्ट चल रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके सभी क्वेश्चंस को रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। इसके बाद ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद ये इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन 6, 7। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8, 9 और ये 10। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, 14। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। जैसा इस मॉर्निंग शिफ्ट के साइंस का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है और जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर में भी आएंगे। बस क्वेश्चंस अलग होंगे लेकिन क्वेश्चन पेपर का पैटर्न और क्वेश्चंस का लेवल इसी तरह का होगा जिस तरह का ये मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर में आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 जो कि अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 और 19। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 से आपका सेक्शन बी यानी कि खंड ख स्टार्ट हो जाता है, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21, 22। और इसके बाद ये रहा इंग्लिश मीडियम में, ये आप देख सकते हैं पूरा। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 और ये सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 21, 22। और इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 और 26। इसका सॉल्यूशन वाला वीडियो मैं बहुत ही जल्द अपलोड करूंगा चैनल पर और इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि जैसे ही मैं अपलोड करूं सॉल्यूशन वाला वीडियो तो सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंच जाए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 और ये 30। इसके बाद ये आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में, ये रहा और ये सेक्शन सी के क्वेश्चंस 27 और 28 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 और 30। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 32 और 33। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 34 से सेक्शन डी यानी कि खंड घ स्टार्ट हो जाता है, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद ये इंग्लिश मीडियम में 31, 32 और ये रहा 33। इसके बाद सेक्शन डी का क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 34, ये और वाला क्वेश्चन है इसमें, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 35। इसके बाद इसमें अथवा वाला क्वेश्चन भी दिया गया है। इसके बाद 36 ये रहा। जैसा इस क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आप देख रहे हैं ऐसा ही पैटर्न आपका इवनिंग शिफ्ट का साइंस का क्वेश्चन पेपर का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको देखकर आइडिया लगा सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि किस तरह का आपका इवनिंग शिफ्ट का साइंस का क्वेश्चन पेपर आने वाला है, ठीक है। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 से आपका सेक्शन ई स्टार्ट हो जाता है, ये आप देख सकते हैं। और इसके बाद ये रहे क्वेश्चंस। इसी तरह से नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 37 और इसके बाद ये रहे क्वेश्चंस। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 ये रहा आपका। अगर आपको लग रहा है वीडियो फास्ट चल रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को इजीली रीड कर सकते हैं। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 39 और इसके क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं। और ये रहा इंग्लिश मीडियम में आपका क्वेश्चन नंबर 38 और इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 39। तो टोटल आपका साइंस के क्वेश्चन पेपर में 39 क्वेश्चन आए हुए थे मॉर्निंग शिफ्ट के। इसका मतलब है कि इवनिंग शिफ्ट के साइंस के क्वेश्चन पेपर में भी 39 क्वेश्चंस ही आएंगे और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आपने देख लिया, ऐसा ही आपका इवनिंग शिफ्ट का भी क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहेगा और क्वेश्चंस के लेवल भी इसी तरह के होंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।